पांच ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी भूतिया चीजों को महसूस किया अपने जीवन में, इस वीडियो में आगे बने रहे जानने के लिए। तो फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर पैरानॉर्मल के बहुत बड़े फैन हैं। एक कहानी है जिसे वह बताना पसंद करते हैं कि जिसमें वह और उनके दो दोस्त शामिल थे जो स्कॉटलैंड के एक अपार्टमेंट में रहते थे। PW इनसाइडर के माइक जॉनसन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने समझाया था कि एक भूतिया प्रेत को कैसे देखा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं पैरानॉर्मल का प्रशंसक हूँ, मैं कहानी है हमेशा सुनाता हूँ। वह स्कॉटलैंड के दो दोस्त की है जो एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। मैंने उनसे एक से बात की कि उसने मुझे बताया कि एक रात वह उठा और उसने कमरे में एक महिला को देखा। उसका चेहरा कुछ डरावना धुंधला सा था। जब उसने देखा तो वह घबरा गया और अपने साथी के साथ लिविंग रूम में भाग गया जो पढ़ रहा था और चिल्लाया, मुझे लगता है कि मैंने भूत देखा है। उस रात के बाद से वह हर रात भूत प्रेत देखते रहे। WWE सुपरस्टार ने कहा कि उसने अपने दोस्त के बगल में एक भूत को भी देखा था और उसकी गोद में एक बच्चा था। जब मैकइंटायर ने उन्हें के कहानी सुनाई तो वह इतना डर गया कि उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। कुछ शोध करने के बाद उन्हें पता चला कि जिस स्थान पर वह रहते थे वह युद्ध के दौरान छोटे बच्चों के विशेषज्ञ शिशुओं के एक अस्पताल हुआ करता था। तो ये जो कहानी थी वो मैकइंटायर ने सुनाई थी और काफ़ी डरावनी कहानी थी ये, जो अक्सर वो सुनाया करते हैं। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं सोनिया डेविल के बारे में। सबसे अधिक प्रचारित डरावनी वास्तविक घटनाओं से एक अगस्त 2020 में आई थी, क्योंकि WWE सुपरस्टार सोनिया डेविल के साथ एक भयानक घटना हुई थी जिसमें एक शिकारी शामिल था। वह जब अब मैंडी रोज के साथ सो रही थी तब उनके घर में एक आदमी घुस गया। उसके घर की सुरक्षा अलार्म बजने लगे और उसके व्यक्ति को सोनिया के पिछले बरामदे में पाया गया। जैसे ही वह आदमी उनकी दिशा में चलने लगा वह घर से भाग गए। गिरफ्तारी करने के लिए अधिकारी समय से पहले ही आ गए। वह एक पागलपन भरा सफर रहा और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप नहीं जानते कि ऐसा कुछ होने वाला है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप नहीं जानते कि आप कैसा महसूस कर देंगे। मैं ऐसा था, वो सब ठीक है, मैं आज रात अपने घर में सोने जा रहा हूँ। और फिर जब रात हुई तो मैं जैसे पड़ोस में ड्राइव भी नहीं कर सकता था, तो वह पागलपन है। उस व्यक्ति पर गंभीर रूप से पीछा करने, सशस्त्र अपहरण का प्रयास करने, आवास में शस्त्र चोरी, आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया था। अगले सुपरस्टार की बात करते हुए हैं डॉब ज़िगलर। हम सुपरस्टार डॉब ज़िगलर के बताया कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब वह 4 साल का था तो उसे याद आया कि कैसे एक राक्षस उसे डराने की कोठरी में बाहर आता था। ज़िगलर ने WWE के साथ सुपरस्टार घोस्ट स्टोरीज नामक श्रृंखला पर कहानी को याद किया। जब मैं 4 साल का था वह तो आधी रात को जाग जाता था क्योंकि मैं सपना देखता था कि मेरे कोठरी खुल जाएगी और उसमें एक राक्षस निकलेगा। मेरा यह सपना बार बार आया था और मुझे लगता था कि 7वें और 8वें मौके पर मैंने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने मुझे अपने बिस्तर के पास एक बल्ला रखने के लिए दिया और हमने कोठरी के सामने एक क्रूस लगा दिया। मैं सोने जाने के डर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़िगलर ने यह कहते हुए कहानी जारी रखी कि जब वह सो गया तो कोठरी का दरवाज़ा खुल गया था क्योंकि उसने दावा किया कि उसने शैतान को वहाँ खड़ा देखा। उसने
उस बल्ले की तलाश की जिसने बिस्तर पर रखा था, लेकिन इससे पहले वह पकड़ पाता वो आकृति जा चुकी थी। अगली सुबह जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार उठा तो कोठरी का दरवाजा चौड़ा था और क्रूस फर्श पर था। वो आखिरी बार होगा जब वह उस कमरे में सोया। अगली स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। अलेक्सा ब्लिस। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार अलेक्सा ब्लिस हाल में ही एक फ्लाइट में थी और उन्होंने बताया कि उन्हें एक छोटे बच्चे का सामना करना पड़ा था जिसे खराब दौरा का अनुभव हुआ। विल्स ने अपने ट्वीट पेज पर नीचे डरावनी स्थिति के बारे में बताया कि कैसे एक उड़ान के दौरान उन्हें बहुत डरावनी स्थिति हुई। छोटे बच्चे के दौरा पड़ रहा था और प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। विमान पर चिकित्सा पेशावरों को धन्यवाद जिन्होंने बच्चों की मदद की और हमारे उतरने में एक सुरक्षित रखा। धन्यवाद परमात्मा को धन्यवाद दिया। उस उम्मीद में बच्चा ठीक है और परिवार के साथ सब ठीक है। WWE द बम्प के विश्लेषक और मेजबान करने वाली कायला ब्रिस्टन ने बताया है कि उन्होंने स्लीप पैरालिसिस का एक भयानक मामले का अनुभव किया। उसने अपने ट्विटर पेज पर की व्याख्या की। जब मैं बच्चा था, जब वो बच्ची थी, तब मुझे नींद का प्रसाक्तक मतलब उन्हें नहीं हो पाता था नींद। कल रात मैंने बिस्तर पर एक गिरने के पहले एक छोटी लड़की मेरे सामने दौड़ी। उसने बस मुझे देखा और मैंने उसके कदमों को सुना और उनकी चाल को महसूस कर सकती थी। यह बहुत वास्तविक था, लेकिन जब तक मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर नहीं किया तब तक। और कमेंट करें कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा भयानक लगी है और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल रसल टेक।